हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोकैड की बेसिक क्लासेस। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि ऑटोकैड होता क्या है। ऑटोकैड को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसमें जो टूल्स हैं इनका क्या यूज है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये ऊपर की जो बॉक्सेस है इस बॉक्स को बोलते हैं रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं? रिबन पैलेट। ठीक है, ये रिबन पैलेट है। इसके नीचे जब हम आते हैं तो एक ड्राइंग एरिया मिलती है मुझे। इस एरिया को बोलते हैं ड्राइंग सीट। क्या बोलते हैं? ड्राइंग सीट। इसके नीचे जो है उसे बोलते हैं स्टेटस बार। ये आप यहाँ पे जैसे ही कोई कमांड यहाँ से चलाओगे तुरंत यहाँ पे इन्फो आ जाएगा। उस इन्फो को बोलते हैं इन्फो बॉक्स को बोलते हैं इन्फो स्टेटस बार। इसके नीचे जो है उसे बोलते हैं मॉडल बॉक्स। ओके, मॉडल बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं जिनको ऑन करने पे हमारे जो फंक्शन होते हैं वो सही तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, इसे बोलते हैं ऑर्थो। इसको जब हम लोग ऑन रख लेंगे तो हमारी जो लाइनें बनेंगी वो हमेशा स्ट्रेट बनेंगी, एज लाइक स्केल। स्केल की तरह ये काम करता है मेरा ऑर्थो। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग को जो बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक कमांड लेंगे और कमांड लेके स्टार्ट करेंगे अपने फिगर को बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग जब ड्राइंग के लिए गए थे, जब सबसे पहले हम लोग गए थे फर्स्ट ईयर में जब हम लोग गए थे तो हम लोग को सबसे पहले कहा गया था कि आप यश टू एच आर जो भी पेंसिल हो वो पेंसिल लेके आइए। वैसे यहाँ पे भी कुछ पेंसिल्स हैं जिसे हम लोग लाइन कमांड के नाम से जानते हैं, और उसकी थिकनेस यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं कि हमको कितनी थिकनेस वाली पेंसिल चाहिए। बाकी यहाँ से हम लोग लाइन कमांड से थिकनेस को लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग शीट पर आते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में आप अपने डिस्टेंस को डाल दीजिए। जैसे यहाँ से मैंने डाल दिया 100, तो 100 mm की लाइन आपकी क्लिक हो जाएगी। ओके किया, तुरंत क्लिक हो गया इंटर से। ठीक है, इस तरीके से मेरी 100 mm की लाइन हो गई। अगर इसको चेक करना है ये 100 mm की है या नहीं है तो आप इसको इस पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके ब्लू पॉइंट पे अपने कर्सर को रखोगे तो ये डिस्टेंस बता देगा। जैसे कि आप इस समय देख रहे हो ये 100 mm की पूरी लाइन है। ओके, इसके बाद अगर आपको ऊपर की ओर जाना है तो आप फिर से लाइन कमांड को क्लिक करो और ऊपर की ओर चले जाओ। जितना डिस्टेंस जाना हो क्लिक करो, आप जैसे आपको जाना है 50, आप 50 क्लिक करो। फिर आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन की तरफ पहले माउस को करो, उसके बाद माउस जब उस डायरेक्शन घूम जाए तो आप अपना डिस्टेंस डाल दो, जैसे 100 डाल दिया हमने। फिर चाहो तो एक दूसरे को मिला दो या 50 डाल के एंटर कर दो, और फिर राइट क्लिक करके कैंसिल कर दोगे तो ये कमांड कैंसिल हो जाएगी और आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा लाइन कमांड से। लाइन कमांड के जस्ट बगल में दूसरी कमांड है जिसे बोलते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का क्या काम है? पॉलीलाइन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। इसमें जो लाइनें होती है वो हमेशा एक रहती है। ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करती है, यहाँ से हम लोग पॉलीलाइन लेते हैं और पॉलीलाइन लेने के बाद जैसे लाइन चलाते हैं तो वैसे ही पॉलीलाइन चलेगा। बस इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, दोनों में डिफरेंस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इधर की ओर मुझे चलना है कितना, 100 mm चल दिया हमने, और उसके बाद ऊपर जाना है कितना mm जाना है, 50 mm जाना है, ठीक है चल दिया। फिर इधर की ओर जाना है कितना mm जाना है, 100 mm जाना है, चल दिया। फिर एक दूसरे को मिला दीजिए क्लिक। फिर देखिएगा आप, अब देखिए ये जो बगल वाली लाइन है ये बनी थी लाइन कमांड से, ये रेक्टेंगल बना हुआ, और ये जो बना हुआ है ये पॉलीलाइन कमांड से बना हुआ है। जब लाइन कमांड से किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो क्या होता है, वो उसमें सब पार्ट अलग अलग होते हैं। जैसे ये लाइन का ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, बट पॉलीलाइन से बनाते हैं तो हमने बोला इसे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। इसलिए कहीं पे भी क्लिक करोगे एक बार में सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ये फायदा है पॉलीलाइन से लाइन रेक्टेंगल बनाने से, और ये नुकसान है लाइन से। लेकिन हाँ, अगर आपने लाइन से बनाया है तो आपको इस पे कुछ एडिट करना है तो आप इस पे एडिट कर सकते हो, बट पॉलीलाइन से बनाया तो पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए लाइन इज द बेस्ट, हम लोग मैक्सिमम ड्राइंग में लाइन कमांड का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे जो कमांड है वो सर्किल, और सर्किल के ढेर सारे टाइप्स हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हो ये है सेंटर रेडियस, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद अपने ड्राइंग एरिया पे क्लिक करते हैं, फिर जो रेडियस हमको देना होता है वो रेडियस हम लोग डाल देते हैं। जैसे हमको 30 रेडियस देना है, हमने 30 डाल के एंटर कर दिया। ठीक है, ये 30 रेडियस का सर्किल बन गया। आप चाहते हो ये 30 रेडियस का नहीं, इसे एडिट करना चाहते हो, इसे 50 रेडियस का बनाना चाहते हो, तो आपको फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप बस इस पर क्लिक करो और इसके ब्लू पॉइंट पे जैसे रखोगे तुरंत एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे 50 डाल दो, जैसे 50 डालोगे ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से हम लोग सर्किल बना सकते हैं अपने ऑटोकैड।
बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, जैसे कि आप लोग क्लासेस में बनाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी बनाने हैं आपको, ठीक है। ड्राइंग है कुल मिला के, इस पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, उस टूल्स को यूज करके आपको ड्राइंग बनाने हैं। यहाँ पे सेंटर डायमीटर डायमीटर के फॉर्म में डालेंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ये टू पॉइंट का यूज तब करते हैं जब आपको केवल दो पॉइंट पता हो, उनके बीच का रेडियस नहीं पता हो। तो टू पॉइंट सर्किल लिया, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट अपने मान लीजिए इसको मान लिया और सेकेंड पॉइंट इसको मान लिया, इनके बीच में सर्किल इजिली हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं टू पॉइंट सर्किल के थ्रू। इसके बाद है हमारा थ्री पॉइंट सर्किल। थ्री पॉइंट सर्किल का क्या यूज है, जहाँ पे हमें तीन पॉइंट्स पता हो वहाँ पे हम लोग थ्री पॉइंट सर्किल का यूज करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मान लीजिए हमारा ये है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये है, और तीसरा पॉइंट ये है। इस तरीके से तीन पॉइंट के बीच में एक सर्किल बनाया जा सकता है। इसके बाद सर्किल के कुछ और टाइप्स हैं, जैसे कि टेन टेन रेडियस। टेन टेन रेडियस का मतलब है कि दो टेंजेंट पता हो, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा पता हो सर्किल का और एक रेडियस पता हो, तो हम लोग इजिली इससे हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एक सर्किल आपके सामने दिख रहा है, दूसरा सर्किल हम लोगों ने बना लिया इजिली सेंटर रेडियस से, इसका रेडियस हमने इतना रख दिया। अब मुझे एक टेंजेंट ये पता है और एक टेंजेंट ये पता है, इसके बीच में सर्किल ड्रा करना है, तो हम लोग इजिली यहाँ से टेन टेन ले लें, टेन टेन रेडियस, इसको बोलते हैं टी टी आर। इसमें क्या होगा, पहला टेंजेंट हमने इसको बनाया, दूसरा टेंजेंट हमने इसको बनाया, इसके बाद रेडियस डाल दिया, मान लीजिए इसका रेडियस डाल दिया 70 और ओके। इस तरीके से देखिए 10 10 रेडियस से ये सर्किल बन गया है। इसके बाद ये मेरा 10 10 10 मतलब तीन टेंजेंट पता हो। ऐसे केसेस कहाँ पे बनते हैं, जैसे हम लोग ट्रेंगल जब बनाते हैं तो ऐसे केसेस बन जाते हैं। ये लिया ट्रेंगल बनाने के लिए, हमने इतना डिस्टेंस ले लिया ऐसे ही, और ये डिस्टेंस ऐसे ले लिया, इस तरीके से ये डिस्टेंस ले लिया और एक दूसरे को मिला लिया, और फिर इसके मिड पॉइंट पर क्लिक किया और इसके मिड पॉइंट पर क्लिक किया। इस तरीके से हमारा ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल बनने के बाद आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इरेस्ट करो। फिर इसके बीच में हमको सर्किल ड्रा करना है। सर्किल ड्रा करने के लिए आप यहाँ से 10 10 10 ले लो। इसमें क्या होगा, तीन टेंजेंट पता होना चाहिए, एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है, और तीसरा टेंजेंट ये है। अपने आप इनके बीच में एक टेंजेंट बन जाए। इस तरीके से हमने आज के वीडियो में, ये पहली क्लास थी हमारी, आगे भी हम आपको सारे वीडियोस देते रहेंगे एक एक करके। तो पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा लाइन कमांड से बनाने ड्राइंग बनाना, पॉलीलाइंस और सर्किल बनाना, ठीक है। अभी हम थोड़े से लाइन कमांड से कुछ ड्राइंग बनाएं। जैसे कि आपको कोई ट्री सेक्शन बनाना है, तो उसके नीचे की डिस्टेंस लगनी 100, तो आपने 100 क्लिक किया और एंटर कर दिया। फिर ऊपर की ओर जाना है कितना, 20 मान ले जाना है। फिर 30 आपको अंदर की ओर आना है। फिर आपको 80 ऊपर जाना है। फिर आपको 10 या 20 आपको अंदर आ जाना है, और फिर आपको 80 नीचे आना है। फिर आपको 30 20 कुल मिला के 40 यहाँ आने हैं, 10 और फिर एक दूसरे को मिला। इस तरीके से आप लोग कोई भी एक टी सेक्शन बना सकते हो। सॉरी इसका ये क्या बोलते हैं, डायमेंशन पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये टी सेक्शन है। इसी तरीके से आप आई सेक्शन बना सकते हो, अगर कोई इसकी डायमेंशन दिया है तो वेरी बेस्ट, 100 ऊपर गए, 20 उसके बाद इधर आए, 30 फिर ऊपर गए, 80 फिर बाहर आया, 30 फिर ऊपर गए, 20 और फिर इधर की ओर आया, 80 या 100 ले लीजिए, और फिर नीचे आया 20 और फिर इधर आया 30 और फिर नीचे आया 80 और फिर इधर की ओर आया 30 और फिर एक दूसरे को मिला दिया। इस तरीके से हम लोग आई सेक्शन और टी सेक्शन बना सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज, थैंक यू।